अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल अजीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने PDS राइस फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 30 टन चावल जब्त किया। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। ये ज़्यादा रेट को और वांटेड कस्टमर्स को बेचने के लिए कोशिश कर रहा है। इनके पास से पूरा 3 टन यानी 30 क्विंटल का PDS राइस पकड़े गए हैं। मेन कंज्यूमर्स ये गरीब लोगों के लिए मेंट था, लेकिन इन्हों वहाँ से प्रोक्योर करके ये होटल्स और थोड़े गलियों में रेस्टोरेंट्स, छोटे रेस्टोरेंट जो रहता ना, वहाँ पे इन्हों टिफिन सेंटर्स को बेच रहा था। जिसमें इनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखे तो भी 2015 से करा, 2015 में एक केस है, 2016 में 2 केसेस और 2017 में और 2 केसेस है, और 2018 में आज ये केस में पकड़ा गया। इनको पता है कि टास्क फोर्स और लोकल पुलिस ये PDS रेस के ऊपर भी फोकस रखे हैं, जिसके लिए इन्हों बहुत न्यूसेंस करा और हमारे लेजिटमेट ड्यूटीज़ के ऑब्स्ट्रक्ट भी करने के लिए कोशिश कर रहा था, और जिसके लिए रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ IPC भी इसमें इस केस में इन्वॉल्व करते हैं। और जो भी इन्हों और इनके फैमिली मेंबर्स जो भी इसमें ऑफेंस है, ऑफेंस में शामिल है, वो लोगों के ऊपर भी हम लोग केस कर रहे हैं। सिर्फ एक के पास 20 टन का PDS रेस पिछले केसेस में पकड़ा गया। आप समझ सकते हैं कितना नोटोरियस आदमी है, इलीगल एक्टिविटीज़ भी कर रहा है। और एक बार रिव्यू करने के बाद PD एक्ट का इन्वोक भी करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।